अस्सलाम वालेकुम, मुज़ना किचन में आप सबको बहुत बहुत वेलकम है। और मुज़ना की तरफ से आप सब लोगों को ढेरों ढेरों बकरायती खुशियां, बहुत बहुत मुबारक हो। हम बनाने लगे हैं करेजी, गुर्दे, पिपरे वगैरह, जो इस तरह की चीज़ें ऑर्गन्स होते हैं, जो बेसिकली उसके लिए मैंने मसालों में लिए रेड मिर्च, कुरिएंडर पाउडर, नमक, साबुत गरम मसाला, ज़ीरा और दादरी मिर्च और हल्दी। तकरीबन सब कुछ 1 टेबल स्पून है और जो हल्दी है वो 1/2 टेबल स्पून है। 1 बाउल लिया है मैंने दही का। और साथ ही आपने इसके साथ ले लेने हैं ये सारे कटिंग किए हुए ऑर्गन्स, जो कि बेसिकली कसाई ने बना के सब कुछ सेट देती है। और अदरक लहसुन की पेस्ट ले लिया है और इस पेस्ट में सिर्फ हमने 1.5 टेबल स्पून इस पेस्ट को यूज़ करना है। तो इन सब चीज़ों को हमने, ये कलेजी वगैरह की सारी चीज़ों के अंदर हमने गरम मसाला, दही, मसाले वगैरह और ये जो अदरक लहसुन की पेस्ट है इसका 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना जी। तो ये मिक्स हो गया और ये बहुत ही ऐसे सॉफ्ट बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा। वो जो हल्की स्मेल वगैरह भी होती है ना, जो हम विदाउट दही के बनाते हैं, वो भी नहीं रहेगी। 1/2 बाउल लिया मैंने ऑयल का और यहाँ मैंने अब पतीली के अंदर गरम मसाला डाल लिया है साबुत फ्रेग्रेंस के लिए, बेहतरीन मसाले के लिए। और मैंने 1/2 बाउल जो है ऑयल का डाल लिया, 1 मैंने प्याज लिया दरमियाने साइज़ के और 2 टमाटर लिए। टमाटर फ्रीज हुए थे तो मैंने उसको मैश कर लिया अच्छे से जी। तो ये मेरा गरम मसाला जो है ये फ्राई हो रहा है, इसके अंदर अब मैंने टमाटर और प्याज ऐड कर देना है और इसको ज़रा क्यूरी बना लेनी है, इसको फ्राई कर लेना है। साथ ही इसके अंदर मैं ये अपना कलेजी वगैरह का जो मसाला है बेसिकली बकरे का, वो ऐड कर दूंगी। और इसको अब हमने इतना पकाना है, पहले तो ये दही टमाटर वगैरह के पानी में ही पकेगा और बीच में आपने एटलीस्ट 2 से 3 ग्लास पानी ऐड करना है, जो शीशे के ग्लास होते हैं ना, कि थोड़ा सा जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा उससे। और इसको वक्फे वक्फे से ऐड करते जाएं। अभी मैंने वो जो हंगाल था जिसके अंदर कलेजी वगैरह पड़ी थी, उसी का ही थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। वक्फे वक्फे से आप लोगों ने एटलीस्ट 3 ग्लास पानी ऐड करना है और इसको पका लेना है। और ये बहुत ही मज़े की सॉफ्ट कलेजी रेडी होगी, स्मेल वगैरह के बगैर, और तकरीबन मलाई जैसी सॉफ्ट होगी। तो ये देखें, ये रेडी है, ऑयल इसके ऊपर आ गया है। और इसको बनाएं, खाएं, ईद इंजॉय करें, अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से आप सबको मुज़ना की तरफ से बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।